गोल्डस्मिथ के एजुकेशन में आज आपको मुकुट के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। पुरातन समय में राजाओं की मुकुट शोभा होता था, उसे पहनकर ही राजा कोई भी राजा सिंहासन पर बैठता था और आम जनता उसे देखती थी कि जो मुकुट पहना हुआ है वह ही राजा है। लेकिन आज मुकुट सिर्फ शोभा बन गए हैं दिखाने की, ये पार्टियों में किटी पार्टियों में जैसे किसी को कृष्ण बना दिया जाता है, उसे मुकुट पहना दिया जाता है तो वो उसकी शोभा बन जाता है कि ये कृष्ण कन्हैया है। उसके ऊपर मोर का पंख लगा देते हैं और भी शोभा उसकी बढ़ जाती है मुकुट की। आज शादियों में ज़्यादातर मुकुटों को पहना जाता है, घोड़ियों का रिवाज चला गया है किंतु मुकुट का रिवाज अभी तक नहीं गया। लेकिन मुकुट हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि मुकुट कैसे बनता है, इसकी कुछ जानकारी दे दी जाए तो बहुत अच्छा है। मुकुट सीखने के लिए सबसे पहले कोई भी धातु हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे तांबे की हो, कोई भी धातु हो, उसकी एक बड़ी रेणी बना ली जाती है। उस बड़ी रेणी को मुकुट के लंबाई के अनुसार जितना जितने इंच का मुकुट बनाना हो, 5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, उसी हिसाब से उसकी लंबाई करके उसे मशीन में दिया जाता है और उसकी 5 इंच की, 6 इंच की, 7 इंच की पत्ती निकाली जाती है। पत्ती निकाले जाने के बाद उसे लाख पर लगा दिया जाता है, उस पर कुछ डिजाइन बनाए जाते हैं। लाख पर लगाने के बाद उस पर हाथ से डिजाइन बनाए जाते हैं, उसके अंदर नग बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कुछ हाथ से ये बनाया है, ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये किस प्रकार, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने ये बनाया है। इसके ऊपर पहले तो ये पत्ती काट ली गई है इतनी चौड़ी और इसके ये साइड में ये डिजाइन काट दिए गए हैं और साथ में बीच में ये कटिंग कर दी गई है 8, 6, 6 और 7। अब देखिए ये मुकुट है मेरे हाथ से बना हुआ है, तो कैसा ये मुकुट है इसमें देखते हैं कि ये यहाँ से काटा गया है, यहाँ से काट कर डिजाइन बनाया गया है और इसके बीच में ये सारे नग लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर के ये सारे बीच में नग हैं और इनके बीच में भी कुछ डिजाइन बनाया जाएगा। ऐसा कुछ बना करके इसे सिर के ऊपर लगा दिया जाता है और पीछे धागा लगा दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि मुकुट बनाने में कम से कम 3-4 घंटे का समय लगता है। मुकुट भी 3-4 किस्म के बनाए जाते हैं, कुछ तारों वाले मुकुट होते हैं, कुछ पत्ती वाले मुकुट होते हैं, कुछ नगीनों वाले मुकुट होते हैं। ग्राहक के डिजाइन के हिसाब से मुकुट बनाए जाते हैं और ऑर्डर से बनाए जाते हैं। मुकुट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और ये आज मैंने आपको कुछ जानकारी दी, बाकी अगले पार्ट में।